Hey, hello everyone, this is Reena and welcome back to my channel Reena Purple Official. Hope so आप सब अपने घर में सेफ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और आप लोग की दुआ और आशीर्वाद की वजह से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो आज का ब्लॉग वीडियो मैं लेकर आई हूँ मेहंदी सेरेमनी का। हम लोगों ने मेहंदी सेरेमनी एक छोटा सा प्रोग्राम किया था, लाइक मेहंदी वगैरह लगाने के लिए चार पांच गर्ल्स आई हुई थी, उन्होंने बहुत अच्छी मेहंदी लगाई थी सभी की और उनके साथ साथ मैंने भी लगाई कुछ लोगों को मेहंदी और मेरी बहुत अच्छी खासी इनकम हो गई एक्चुअली। तो यहाँ पे मेरी तारीफ हो रही थी थोड़ी बहुत और कूलर की आवाज़ से उस बिल्कुल भी सुनाई नहीं दिया। एंड शी इज़ मोस्ट 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 क्यूटेस्ट गर्ल जो ही मेरे पीछे में है, क्यूट सी, नाम तो भूल गई मैं बट बहुत क्यूट है, बहुत ज़्यादा क्यूट है। और यहाँ पे देख लीजिए कितनी अच्छी खासी मेरी कमाई हो रही है, मीन्स मैंने कुछ भी उतना मेहनत नहीं किया, बस थोड़ा ही बहुत लगा है। बुआ जी ने ऑलरेडी बुला रखा था तीन चार गर्ल्स को तो वही लगा रही थी, मैंने बस एक दो लोगों को लगाया होगा, उसमें मेरी भी अच्छी खासी कमाई हो गई, मीन्स क्या ही बताऊँ, मज़े आ गए। और ये जिनको लगा रही थी आज ही वगैरह, ये भी बहुत खुश थी। और एक्चुअली 40 ईयर्स बाद इन्होंने मेहंदी लगाया, बोली कि मैंने 40 साल तक मेहंदी नहीं लगाई अपने हाथों में और 40 साल के बाद मैं इनको मेहंदी लगा रही थी, मीन्स कितनी लकी हूँ मैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि और उनको भी बहुत अच्छा लगा जो मैंने मेहंदी लगाया, खुश हो गई। बट कुछ खास नहीं था, आप लोग खुद देख लेंगे, नॉर्मल ही था बट उनको बहुत अच्छा लगा। दिखाई एक रुपया, दो रुपया है, दो रुपया, एक रुपया नहीं है। ये देखिए थोड़ी पहले हमारे बारे में बात करते हैं, वो करो पिया जी को आज फोन पीछे रखो, पीछे रखो ना यार, आपको सामने चाहिए आना। सो बिना स्किप के वीडियो लास्ट तक देखिएगा एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए, मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर 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 करिएगा एंड प्रेस ऑल्सो द बेल आइकन, जिससे इन फ्यूचर जो भी वीडियो बनाओ उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आप देखिए और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देखें, किस तरह प्यार दें और अपनी फैमिली के साथ शेयर जरूर करिएगा। मेहंदी दिखाइए, कितना अच्छा मेहंदी लगा है। लगाई तो कुछ नहीं पर कमाई होगी, मैंने लगाई नहीं उतनी अच्छी, इनको लगाई हाँ दिखाइए जी, मेहंदी बुआ जी दिखाइए, मैंने लगाई, मैंने दिखाई ऐसे लगाई, पीछे दिखाइए, पीछे वाले भी क्या पता अच्छी लग जाए लोगों, कैसी लगाई है इतना सीरियस हो तो देख रही हैं बुआ जी, नहीं सॉरी आज इतनी सब्जी खाना अगर खा लिया हम तो बाल देखिए सारे बाल। Thank you.
दरवाजा खुला रखना, रास्ता हमारा तकना, दरवाजा खुला रखना, तुझे अब दौड़ी आएंगे तेरे सजना, कुछ और अपना कहना, कुछ और अपना करना, कुछ और अपना कहना, कुछ और अपना करना, ये दिल की बात अपने तुमने तो बांके रखना, मन दिल लगा के रखना, रोने सजा के रखना, लगाई हुई है हाथों में, देख सकते हैं आप लोग, निकाले नहीं, टाइम ही नहीं मिला और फटाफट से मुझे कुछ ऐसा सामान लेना था जिसको तो मुझे शॉपिंग करने जाना पड़ रहा है। मेहंदी लगाए हुए हैं हाथ में, सूख चुका है एक्चुअली, और कलर तो आ ही जाएगा, दिखाऊंगी, शेयर जरूर करूंगी आप लोगों के साथ। और जानी शॉपिंग करनी और क्या शॉपिंग करना है क्या सब कुछ, तो आगे वीडियो में अपने साथ बनी रहे ना, तभी आपको पता चलेगा कि मैं क्या शॉपिंग करने वाली हूँ। आज मेहंदी था एक्चुअली, हमने डांस वांस भी किया, ज़्यादा वीडियो एक्चुअली शूट नहीं कर पाते हूँ बिकॉज सब लोग डांस वांस करते रहते हैं, तो फिर किसको बोलोगे कि फोन पकड़ के खड़े रहो, स्टैंड वगैरह मैं लेकर आई नहीं। सो इसलिए जितना पॉसिबल हो पाता है ना उतना मैं कोशिश करती हूँ कि बना लूँ और वीडियो शूट करूँ ताकि आप सभी के साथ शेयर कर सकूँ। और सो देखना मैंने क्या चीज़ खरीदा है और मैं
की शॉप में जाती हूँ बनारस में, और मैं बनारस जब से आई हूँ पर डे मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, पर डे शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। पता नहीं बता सकती मैं क्यों जा रही हूँ, मतलब उसकी कुछ ना कुछ ज़रूरत ही पड़ जाती है। मैं सोचती थी नहीं जाऊँगी, बट फिर भी मैंने जाना ही पड़ जाता है, कुछ ना कुछ काम ही आ जाता है या फिर घूमने के बहाने हैं जैसे भी। तो फिलहाल मेरा फ़ोन भी देखा, चलो बनारस का आई थिंक काफ़ी फेमस है, तो यहाँ पर मुझे तो लोग आते थे जाने वाले थे। लेट्स सी कहने थे इतनी सारी साड़ियाँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कौन सा लोग क्या कर रहा है। एक्चुअली मुझे साड़ी लेना था बट मुझे समझ नहीं आता साड़ी। बट इसमें से कुछ मैं सर्च कर रही हूँ और तो मुझे मिल जाए, बट क्या कितनी सारी साड़ियाँ। एक साड़ी अच्छी मैंने ले लिया है और मुझे एक और साड़ी और भी उनके लिए शूज लेना, तो वो आप लेते हैं। अच्छी करा लिया और हम जा रहे हैं अपने के लिए शूज लेने। अब हम शूज लेने जाएंगे और पसंद आता है नहीं आता चला। अरे बड़ा साइज़ छोटे साइज की नहीं है, वी शेप में है ना, पॉइंटेड में है इनका पंजा, ब्रॉड है। जो पसंद आया वो तो मिला नहीं, लिया कुछ और, हमने घर पे जाके दिखाएंगे। सो देखते हैं क्या होता है। मैंने सोचा कुछ और था कि ऐसा लूँगी वैसा लूँगी बट मिला नहीं। और इसका बिल क्या होगा? सो अब हम इसकी बिलिंग कराएंगे और बिलिंग कराएंगे और बिलिंग के बाद तो हमारी शॉपिंग हो गई। और क्या हुई कि मैं बताऊं या ना बताऊं, आप मुझे कमेंट करके बताना। अगर आपने कमेंट आया तो मैं जरूर बताऊँगी, अगर कमेंट आपने नहीं किया तो नहीं बताऊँगी। अच्छा नहीं, मैं बता दूँगी। सो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को जानना है क्या है इसमें, क्या है क्या नहीं है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। और फाइनली हाँ जरा कि मेरी शॉपिंग कंप्लीट होती है, बहुत कम दिन अब रह गए हैं, तो देखते हैं क्या होता है। लेट्स सी और हमें कितना दिन रहना है। सो आगे मेरा कितना ही ब्लॉग है अगर आप देखते रहना, मैं करेंट अपडेट होंगी जो कुछ ना कुछ बताते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ एक शॉप में एक लड़का मिला है, इधर आओ। मिल गई आइसक्रीम, खुश हो आप? तो मुझे ज़बरदस्ती का ही बलून दे रहा था बट मैंने मना कर दिया कि मुझे बलून नहीं लेना है, तो बोलता है कि मुझे आइसक्रीम दिला दो। तो फाइनली खुश हो गया, उसके चेहरे पे स्माइल था तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अच्छा लगता है अच्छे अच्छे काम करके पति देव बिना, अगर कोई आ गया ना सच में। ओह माय गॉड, आप सभी को आज का ब्लॉग वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा आप सबको कैसा लगा, और कुछ और देखना चाहते हो वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको रील्स की वीडियोस देखना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे ज़रूर फॉलो करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।